दुनिया में आज देखिए, राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का पहला एशिया दौरा। 10 दिनों में 5 देशों का दौरा करेंगे ट्रंप। चर्चा में छा सकता है उत्तर कोरिया का मामला। चीन के साथ रिश्तों पर भी रहेगी नजर। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं विदित मेहरा। अमरीकी राष्ट्रपति के एशिया दौरे के अलावा कार्यक्रम में आज 100 साल पुरानी वो एक पन्ने की चिट्ठी जिसने बदल दिया मध्य पूर्व का इतिहास। कईयों का मानना इसी ने बोया अरब इसराइल संघर्ष का बीज। मुस्लिम देश बांग्लादेश में भी हैं गुरुद्वारे जहां सुरक्षा की चिंताओं के बावजूद जुटते हैं सिख लोग। और लंबे प्रवचनों में श्रोताओं को ही नहीं आ जाती झपकी, वक्ताओं की भी गर्दन जाती है ढुलक। पोप ने सुनाई अपनी आप बीती। ये सब और इसके अलावा बहुत कुछ बीबीसी दुनिया में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही अपनी एशिया यात्रा शुरू कर रहे हैं। 10 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में वो 5 देश जाएंगे। राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के बाद से ये ट्रंप की पहली एशिया यात्रा होगी और बीते 25 सालों में ये किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति का सबसे लंबा एशियाई दौरा होगा। ट्रंप रविवार को जापान पहुंचेंगे, उसके बाद वो दक्षिण कोरिया जाएंगे और फिर उनकी यात्रा का अहम पड़ाव होगा चीन। वो वियतनाम और फिलीपींस भी जाएंगे। ट्रंप की यात्रा में व्यापार एक अहम मुद्दा होगा, लेकिन साथ ही नजरें होंगी उत्तर कोरिया पर और फोकस होगा वहां के नेता किम जोंग उन पर। ट्रंप उत्तर कोरिया के खिलाफ इन एशियाई देशों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। जानते हैं अमरीकी सुरक्षा सलाहकार HR मैकमास्टर का अमरीकी नीति और चीन के रोल पर क्या कहना है। हमें कूटनीति और कड़े प्रतिबंधों का इस्तेमाल साथ साथ करना होगा। चीन इस मुद्दे पर अच्छा प्रयास कर रहा है, लेकिन जब तक हम सब मिलकर इस क्षेत्र को परमाणु हथियार मुक्त नहीं बना देते, तब तक हमें और कोशिशें जारी रखनी होंगी। चीन भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि ये कितना बड़ा खतरा है, और उत्तर कोरिया को काबू में करना चीन के भी हित में है। इस इलाके को परमाणु हथियारों के खतरे से बचाना ही होगा। उत्तर कोरिया सबकी राह में एक बड़ा रोड़ा है। अगर सभी देशों को लगने लगा कि उन्हें बचाव के लिए परमाणु हथियार विकसित करने होंगे, तो इस क्षेत्र का क्या होगा। उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के मद्देनजर डोनाल्ड ट्रंप की इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है, लेकिन साथ ही एशिया पर प्रभुत्व को लेकर चीन और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष की वजह से भी लोगों की निगाहें इस यात्रा पर बनी हैं। देखते हैं बीबीसी संवाददाता कैडी ग्रेसी की यह खास रिपोर्ट। अमेरिका के दबदबे वाला खेल बास्केटबॉल, लेकिन इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है चीन। बड़े बड़े स्टार यहाँ पैसे और शोहरत के लिए आ रहे हैं। बास्केटबॉल संस्कृति जिस तरह से चीन में पैर पसार रही है, उससे तो लगता है कि ये अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। अमेरिका को हराना अब भी सपना है और चीन को अभी बराबरी पर आने में वक्त लगेगा, लेकिन बास्केटबॉल यहाँ तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ये तो रही बात बास्केटबॉल की, लेकिन दुनिया में वर्चस्व की जंग एक अलग बात है। अमेरिका की खुले बाजार और लोकतंत्र पर नसीहतों की चीन ने कभी परवाह नहीं की। फिर आए डोनाल्ड ट्रंप। हम चीन को अपने देश का बलात्कार करने की इजाजत नहीं दे सकते। लेकिन जब अप्रैल में शी जिनपिंग अमेरिका आए, तो उत्तर कोरिया के मसले पर ट्रंप ने उनसे मदद चाही। उन्होंने शी को अपना अच्छा दोस्त बताया। चीन के साथ हमारी दोस्ती मजबूत और टिकाऊ साबित होगी। शी जिनपिंग चीन में बेहद लोकप्रिय हैं। चीनी सेना को सबसे ताकतवर बनाने और अपने देश को विश्व शक्ति बनाने के उनके सपने ने शी को पार्टी में और असरदार बना दिया है, और नई पीढ़ी पर जिम्मेदारी है उनके सपने को पूरा करने की। एशिया के नक्शे को चीन के नजरिए से समझाने की कोशिश। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही अमरीकी नौसेना इस विवादित समुद्री क्षेत्र में चहलकदमी करती रही है, लेकिन इन पर लगातार चीन अपना हक बता रहा है। इससे दोनों के बीच तनाव बढ़ता रहा। मुझे लगता है कि शी और ट्रंप के बीच और बेहतर तरीके से बातचीत होनी चाहिए और समझौते पर पहुंचना चाहिए। इससे बड़ी सैन्य समस्याएं भी सुलझाई जा सकती हैं। मुझे तो लगता है कि दोनों देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन साथ ही दोनों के लिए कई मौके भी बनेंगे।
तकनीक के कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग की जरूरत है। मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। इतिहास को देखें तो आर्थिक संघर्ष की वजह से कई लड़ाइयां हुई हैं। चीन में कई ताकतें पनपी और खत्म हुई। चीन ने बेहद सोच समझकर सावधानी से अमेरिका के प्रति अपनी नीति का निर्माण किया है। राष्ट्रपति ट्रंप की यात्रा चीन के लिए बेहद अहम है। चीन की कोशिश रहेगी कि अपने मेहमान को किसी सूरत में नाराज न किया जाए, लेकिन साथ ही शी जिनपिंग जानते हैं कि चीन ने बीते सालों में अमेरिका की कई मांगों के आगे घुटने टेके हैं। उन्हें ये भी लगता है कि अमेरिका मुश्किल दौर से गुजर रहा है और ऐसे में ये चीन के लिए मौका है महाशक्ति बनने का। मध्य पूर्व संकट यानी अरबों और इसराइल के बीच का विवाद इस दौर के इतिहास की एक बहुत बड़ी राजनीतिक पहेली है और इसकी शुरुआत शायद एक पन्ने की एक चिट्ठी से हुई। ठीक 100 साल पहले ब्रिटेन के विदेश मंत्री लॉर्ड बेलफोर ने एक चिट्ठी लिखी थी और कहते हैं इसी ने इसराइल के जन्म का रास्ता तैयार किया। बेलफोर घोषणा पत्र की 100वीं सालगिरह पर यह खास रिपोर्ट। बेतलेहम के इस म्यूजियम में ये वो विवादास्पद चिट्ठी है जिसने मध्य पूर्व को बदल दिया। 100 साल पहले तब ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने इस पर दस्तखत किए थे। इसमें कहा गया था कि ब्रिटेन फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए बस्तियां बनाने की हिमायत करता है। साथ ही ये भी कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं किया जाए जिससे वहां रह रहे गैर यहूदी लोगों के साथ कोई पक्षपात होता हो। पहले विश्व युद्ध के दौरान ऑटोमन साम्राज्य खत्म हुआ और ब्रिटेन ने फिलिस्तीन का नियंत्रण ले लिया। वहां अरब लोगों की बहुत बड़ी आबादी थी पर यहूदी भी बढ़ रहे थे। 1925 में जब लॉर्ड बेलफोर यहां आए तब यहूदियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बेलफोर घोषणा पत्र को 1948 में इसराइल के गठन की दिशा में एक अहम पड़ाव समझा जाता है। इसके शब्द जानबूझकर अस्पष्ट रखे गए थे मगर फिलिस्तीनियों को यह बताया गया कि इसराइल के साथ संघर्ष की जड़ यही चिट्ठी थी। बेलफोर घोषणा पत्र से ही यहूदी आराम से फिलिस्तीन जा सके। बेलफोर के मौजूदा लॉर्ड की मध्य पूर्व मामलों में खासी दिलचस्पी है। हमें इसका जश्न मनाने के बजाय इसे याद करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जब तक वहाँ संघर्ष चल रहा है हम इसका जश्न मना सकते हैं। बेलफोर घोषणा पत्र के 100 साल पूरे होने पर इसराइली प्रधानमंत्री लंदन पहुंचे पर फिलिस्तीनी नाराज हैं। उनकी नज़र में ये नाइंसाफी है जिसके लिए ब्रिटेन को माफ़ी मांगनी चाहिए मगर ब्रिटेन ने इससे इनकार कर दिया और उसका कहना है कि ये दिन उनके लिए गर्व का एक दिन है। तो ये थी बेलफोर घोषणा पत्र की 100वीं सालगिरह पर एक खास रिपोर्ट और वैज्ञानिकों ने ओरैंगुटान की एक नई प्रजाति का पता लगाया है। तापानुली नाम की इस प्रजाति के सिर्फ 800 ओरैंगुटान जीवित हैं। इस वजह से इसकी खोज होते ही इसे विलुप्त होने की कगार पर खड़ी प्रजातियों की लिस्ट में डाल दिया गया। लिवरपूल के वैज्ञानिकों ने इस प्रजाति का पता लगाया है। ये ओरैंगुटान इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पहाड़ों में पाए जाते हैं और राहत संस्था सेव द चिल्ड्रन ने कहा है कि निमोनिया से हर साल लगभग 10 लाख बच्चों की मौत हो रही है जबकि निमोनिया का इलाज बहुत ही सस्ता होता है। आधे डॉलर से भी कम यानी लगभग 30 रुपए में बनने वाली एंटीबायोटिक्स दवाइयों से इसका इलाज हो सकता है। चैरिटी ने निमोनिया के लिए सस्ते टीके बनाए जाने की भी अपील की है। और आज बीबीसी ग्लोबल राउंडअप में देखिएगा, सीरियाई सेना ने इस्लामिक स्टेट के आखिरी गढ़ पर किया कब्जा और कार में आराम की जांच करने वाला रोबोट। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दागदार नेताओं के मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में करवाई जाए। ये स्पेशल शब्द हमारे कार्टूनिस्ट कीर्तिश को कैसा लगा देखिए आज के कार्टून में। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसा है बांग्लादेश के सिख समुदाय का हाल। जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद।
बीबीसी दुनिया में फिर से आपका स्वागत है, मैं हूं विदित मेहरा। बांग्लादेश एक मुस्लिम देश है, मगर वहां हिंदू भी बसे हैं, सिख भी। सिख वहां 16वीं शताब्दी सदी से रह रहे हैं, जब गुरु नानक वहां गए थे, मगर अभी वहां के सिख समुदाय में थोड़ी चिंता भी है। बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने ढाका में एक सिख युवक से बात की। मेरा गांव यहां से 40 किलोमीटर की दूरी पे है, मुंशीगंज नाम है, उसका ओल्ड नेम था बिक्रमपुर। मेरे दादाजी के जो पिता थे ये वो इंडिया से यहाँ पे आए हुए हैं बांग्लादेश में। उस टाइम आपका ब्रिटिश का जो शासन चल रहा था यहाँ पे, तब वो काम के सिलसिले पे यहाँ पे आए थे। उस टाइम का जो समय था, उस समय में सिख धीरे धीरे विलुप्त होने लगे बांग्लादेश में, और हिंदू की संख्या ज़्यादा बढ़ने लगी, मुस्लिम की संख्या ज़्यादा बढ़ने लगी। तो जो फॉलोअर्स थे हमारे एरिया के, जो फॉलोअर्स थे वो हिंदू थे। बाद में मेरे दादाजी भी हिंदू धर्म को मानने लगे और मेरे पिताजी भी हिंदू को मानने लगे, मैं भी हिंदू को मानने लगा। जो यंग जनरेशन है हमारे, ये सेवा हमारे यहाँ पे सेवा के लिए आते हैं गुरुद्वारा पे। बहुत सारे हिंदूज़ है, बहुत सारे मुस्लिम्स भी है आप अगर देखेंगे, क्योंकि हमारे तरह जो लोग हैं, हमारे तरह जो यंगस्टर है, ये भी चाहते हैं कि हम सिख धर्म को अपना लें, सिख हो जाए और जैसे सिख का जो अपीयरेंस है ये धारण करे। लेकिन बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है और उस हिसाब से हमें जैसा सिख धर्म के पांच का हम कक्का धारण करना पड़ता है, जो हमें ले के बाहर चलना पड़ता है। तो जो वेशभूषा है, जैसे डैगर होता है सिख धर्म में, एक डैगर को लेकर हमें चलना पड़ता है। तो जो प्रशासन है और यहाँ के जो लोग हैं, इनको इसके बारे में पता नहीं है, तो ये उनको मतलब सुकून नहीं देता है कि ये कैसा चीज़ है, ये डैगर लेके क्यों घूम रहा है, ये क्या हमला करने के लिए है या फिर कोई और काम के लिए। ये कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं लोग। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिखिज़्म में हम डैगर को उतार नहीं सकते, क्योंकि ये हमारा सत्य है, हम रख सकते हैं, लेकिन इसको लेके अंदर नहीं जाने देते। तो उनको बहुत समझाना पड़ता है सिखिज़्म के बारे में, बहुत टाइम उनके पास निकालना पड़ता है। और स्पेशली उनको जब हम रास्ते से चलते हैं, साधारण लोगों की तरह हम नहीं है, सिख धर्म सिख के लोग जब चलते हैं तो लोग हमारे तरफ ऐसे ही ताके रहते हैं कि हम कोई दूसरे दुनिया से आए हुए इंसान हैं, हमें कभी किसी ने देखा नहीं है। ऐसा लगता है कि हेजिटेशन लगता है, अनईजी फील होता है कि कोई लोग हमें, हम क्यों दूसरे लोगों की तरह इंडिपेंडेंट नहीं चल सकते। लेकिन अपने रिलीजन को अपने हिसाब से एक कंट्री में इस्टेब्लिश करना, ये हम चाहते हैं कि हम जैसे सभी लोग चल रहे हैं हम भी ऐसे ही चले, हम भी ऐसे ही सबकी तरह चले, मिल बांट के, कोई लोग जाने कि सिख भी बांग्लादेश में है। और नॉट ओनली सिख मतलब सिर्फ पंजाब, सिख मतलब सिर्फ इंडिया, सिख का मतलब पूरे दुनिया में हो सकता है, जैसे मुस्लिम पूरे दुनिया में है। जैसे जो अटैक्स होने के बाद हमारे यहाँ पे संगत बहुत कम हो चुकी थी, पहले हमने यहाँ हायर सिक्योरिटी लगाई थी, तो फिर बाद में जब मतलब दिलासा दिया कि ऐसा कोई डर की बात नहीं है, हमने हायर सिक्योरिटी दिया है, सब तरफ ऐसा चल रहा है, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी हरदम सिक्योरिटी रहे। और जो कि बोल रहे हैं कि हमारी संख्या कम है, उस हिसाब से हमें सिक्योरिटी की ज़्यादा ज़रूरत है। स्टार वॉर्स सीरीज के रोबोट बदले कलाकृति में, और कहां पर खुलेआम बिक सकती है भांग, जानिए ऐसी ही कुछ दिलचस्प बातें जो आपको पहले पता नहीं थी प्रज्ञा सिंह से। स्टार वॉर्स सीरीज के रोबोट R2-D2 के जैसी दिखने वाली ये चीज पहले एक परमाणु ढांचे की खिड़की हुआ करता था, अब इसे कुछ अनजान ग्राफिटी कलाकारों ने कलाकृति में बदल दिया है। हालांकि शहर में स्प्रे पेंटिंग पर रोक है, फिर भी यहाँ के मेयर को ये काफी पसंद आया। अमेरिका के हवाई राज्य की राजधानी होनोलुलु में फोन का स्क्रीन देखते रास्ता पार करना महंगा पड़ सकता है। अमेरिका का ये पहला शहर है जहां इसके लिए जुर्माना लगाया जा रहा है, मगर फोन पर बात करते हुए रास्ता पार करने पर कोई रोक नहीं है। डेनमार्क में भांग की खेती के लिए लाइन लग रही है। 4 साल पहले वहां एक ट्रायल हुआ था जिसके तहत अगले साल भांग पर रोक हट जाएगी और मरीज प्रेस्क्रिप्शन दिखाकर इसे खरीद भी सकेंगे। कुछ प्रवचन इतने लंबे होते हैं कि सुनने बैठे लोगों की आंखें बंद होने लगती हैं, पर इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं। पोप फ्रांसिस ने भी स्वीकार किया है कि कई बार प्रेयर करते करते उन्हें भी झपकी आ जाती है, पर वो कहते हैं कि इससे ईश्वर और खुशी होते हैं। और आखिर में चीन में स्टूडेंट्स के लिए क्लास बंक करना अब आसान नहीं होगा। चीनी मीडिया के अनुसार नानजिंग की एक यूनिवर्सिटी में फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के सहारे छात्रों की अटेंडेंस दर्ज की जाएगी। लेक्चरर्स का कहना है कि इससे वैसे स्टूडेंट्स पकड़े जाएंगे जो अक्सर क्लास बंक करते हैं। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सीरिया में इस्लामिक स्टेट का आखिरी गढ़ भी निकला उसके हाथ से। बीबीसी ग्लोबल राउंडअप के साथ हम जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।
दुनिया में फिर से आपका स्वागत है, मैं हूं विदित मेहरा और आप देखते हैं बीबीसी ग्लोबल राउंड अप। और पहली खबर सीरिया से। सीरिया के सरकारी टीवी का दावा है कि कई हफ्ते चले संघर्ष के बाद सीरियाई सेना ने तथाकथित इस्लामिक स्टेट के आखिरी मजबूत कब्जे वाले शहर देर अल जोर को अपने कब्जे में ले लिया है। पिछले महीने ही अमरीका के समर्थन वाली सीरियाई सेना ने आईएस को रक्का से खदेड़ा था। ट्विटर ने एक जांच के बाद पाया है कि उनके ही एक पूर्व कर्मचारी ने जानबूझकर अपनी नौकरी के आखिरी दिन अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया था। गुरुवार को ट्रंप का ट्विटर अकाउंट 11 मिनट के लिए गायब रहा था। चीन की ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ने पिछली तिमाही में अपनी आमदनी के आंकड़ों से सभी को हैरान कर दिया था। कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 61% ज्यादा कमाई की है। अलीबाबा समूह अब ऑनलाइन शॉपिंग के अलावा सुपरमार्केट्स में भी निवेश कर रहे हैं। स्पेन की मीडिया के में खबर है कि कैटालोनिया के बर्खास्त नेता कार्लस प्यूजिमोन और उनके 4 मंत्रियों के खिलाफ स्पेन की सर्वोच्च अदालत गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकती है। इससे पहले कैटालोनिया के 8 नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुनिए प्यूजिमोन ने स्पेन सरकार के इस रवैये पर क्या कहा। कैटालोनिया के उपराष्ट्रपति और कैबिनेट मंत्रियों को गिरफ्तार करने का स्पेन सरकार का फैसला बहुत बड़ी गलती है। ये लोकतंत्र पर एक गंभीर हमला है। और इसके अलावा खबरों में है कार निर्माता कंपनी फोर्ड का ये रोबोट जो कि ये जांच करता है कि कार की सीटें सवारियों के लिए कितनी आरामदायक हैं। कंपनी का दावा है कि ये रोबोट पता लगा सकता है कि 10 साल तक लगातार इस्तेमाल होने के बाद एक कार सीट की क्या हालत होगी। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप शुक्रवार को अचानक कुछ समय के लिए रुक गया। कई घंटे तक लोग इस ऐप के जरिए संदेश नहीं भेज पाए। सिंगापुर समेत भारत, मोजाम्बिक, वियतनाम, इराक और यूरोप से भी इसके रुकने की खबरें आईं। और आखिर में सोनी कंपनी का रोबोट डॉग एबो जिसे कुछ नई तकनीकें सिखाकर कंपनी ने दोबारा लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि ये रोबोट अपने मालिक को घूमने के लिए प्रेरित करता है, कई तरह के चेहरे बनाकर उनका मनोरंजन करता है और मौसम का अंदाजा भी लगा सकता है। इसके अलावा कुछ खबरें सोशल मीडिया से भी। बीबीसी संवाददाता करिश्मा वासवानी ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हवाले से ट्वीट किया है कि औरतों को आने वाले 100 सालों में भी समानता नहीं मिल सकती। बीबीसी संवाददाता जेम्स लैंडल ने खबर दी है कि भारतीय मूल की ब्रितानी मंत्री प्रीति पटेल ने इसराइली दौरे पर वहां के नेताओं के साथ एक गुप्त मीटिंग की है। और बीबीसी उर्दू ने भी ट्वीट किया है कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी है। बीबीसी दुनिया में आज इतना ही। मिलेंगे आपसे सोमवार को शाम 6 बजे। We'll be right back.